कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 हम इसका 19वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। आमतौर पर पासा यानी डाइस पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, लेकिन इस बच्चे के पास जो पासा है उस पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई ए, एफ नहीं है, ए है छठा। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो देखिए ए प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी। अब हम देखें कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आगे नीचे, इसमें ए कितनी बार है, एक बार नहीं है बच्चों, देखिए एक बार तो ए कितनी बार है, दो बार। इसका मतलब ए को पाने की प्रायिकता, ए के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/6। इसको आप काट दे, 2 × 2 = 6। इसका मतलब एक के निकलने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/3। इसी प्रकार से दूसरा भाग, दूसरा भाग है डी प्राप्त हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हम निकालते हैं, इसकी प्रायिकता होगी कुल भाग है 6, डी कितनी बार है, एक बार, तो डी के प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/6। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था।